जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक है आज, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मीटिंग में रिसर्च ग्रांट पर टैक्स को लेकर होगी चर्चा, पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट को लेकर भी फैसला होगा, रिसर्च ग्रांट पर टैक्स का विरोध करेगी दिल्ली सरकार, पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन पर भी जीएसटी का विरोध करेगी, 2000 रुपए से कम पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन पर टैक्स का विरोध करेगी दिल्ली सरकार। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहाँ इस बैठक के दौरान तमाम फैसले भी लिए जाएंगे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे दिल्ली सरकार जीएसटी काउंसिल में उठाने वाली है। सबसे पहले जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है, आपको पता होगा कि अगस्त के महीने में देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को अपनी रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी के नोटिस आए कि 2017 से 2024 तक के जो जो भी उनको ग्रांट्स मिली थी उन पर जीएसटी देने के लिए कहा गया। इसमें देश के कई बड़े शिक्षण संस्थान शामिल थे, जैसे IIT दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो बड़े लेवल की रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाता हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो। इनफैक्ट ये सारे देश तो अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च ग्रांट्स पे देते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार खुद रिसर्च पे पैसा लगातार घटा रही है। 70,000 करोड़ से लाकर 30,000 करोड़ पे उन्होंने खड़ा कर दिया है जो सरकारी रिसर्च ग्रांट्स होती हैं। दूसरी तरफ अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद रिसर्च ग्रांट्स रेज कर रही हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, चाहे अलग अलग थिंक टैंक से, अब उन रिसर्च ग्रांट्स पर भी केंद्र सरकार जीएसटी लगाने की बात कर रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कल दिल्ली सरकार इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल में उठाएगी और सारे शिक्षण संस्थानों के लिए रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी की एग्जेम्पशन की मांग करेगी। इसके और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक होने वाली है जो की काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, आज 10:30 बजे के आसपास दिल्ली के विज्ञान भवन में ये जीएसटी काउंसिलिंग की 54वीं बैठक होगी और इसमें दिल्ली सरकार जो है दो अहम मुद्दों पर जो है दिल्ली की वित्त मंत्री इसका विरोध करेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक का जिसमें जो पहला मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल 2014 से लेकर जो केंद्र सरकार है उसने देश के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके रिसर्च ग्रांट के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन साल 2014 से साल 2024 तक वो जो रकम है वो घटकर महज 30,000 करोड़ रुपए रह गई है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपने शिक्षण संस्थानों के लिए, चाहे उसमें यूनिवर्सिटी हैं या फिर बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके रिसर्च ग्रांट के लिए जो बाकी देश हैं वो अपने कॉलेजों को उनकी सरकार और ज़्यादा पैसा दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने वो पैसा घटाकर जो है वो 70,000 करोड़ से 30,000 करोड़ कर दिया। इसके अलावा अब साल 2017 से लेकर साल 2024 तक जितने भी पूरे देश के अंदर जो शिक्षक संस्थान हैं, चाहे उसमें कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशनल के लिए, उन पर जो रिसर्च ग्रांट उनको मिला है, चाहे उस सरकार से मिला है या फिर किसी अन्य स्रोत से मिला है या फिर किसी एनजीओ की तरफ से रिसर्च ग्रांट उन कॉलेजों को दिया गया है, अब उन पर जीएसटी लेने का जो प्रस्ताव है वो एक सरकार रखने जा रही है। यानी कि साल 2017 से लेकर साल 2024 तक जितना भी रिसर्च ग्रांट के रूप में पैसा कॉलेजों को मिला है, शिक्षण संस्थानों को मिला है, अब उस पर भी सरकार जीएसटी लगाना चाह रही है, तो इसका विरोध दिल्ली सरकार करने जा रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से हम रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लेंगे तो फिर देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा, कैसे विकास होगा, क्योंकि बाकी जो दुनिया के देश हैं वहाँ पर अपने अपने कॉलेज के लिए, अपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए जो है जो सरकारें हैं वो और ज्यादा पैसा देती हैं ताकि अच्छी चीजों पर रिसर्च हो सके, लेकिन अगर देश के अंदर रिसर्च ग्रांट के ऊपर जो पैसा मिलता है उस पर ही जीएसटी लगा दी जाएगी तो ऐसे शिक्षा का विकास कैसे हो पाएगा, पहला मुद्दा तो यह है। और दूसरा यह कि एक तरफ जो दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो डिजिटल को बढ़ावा देती है, हमने देखा था कुछ साल पहले जो UPI का चलन केंद्र सरकार लेकर आई थी, डिजिटलीकरण हो गया था पूरे देश के अंदर, लेकिन अब जो है जो एक अगर हम बात करें
2000 से नीचे नीचे जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान होगा उसमें सरकार जो है वो 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव जो है वो आज इस जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में ला सकती है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर ये पेमेंट गेटवे के ऊपर से जो 18% टैक्स वसूला जाएगा इसका सीधा सीधा जो बोझ है वो आम जनता पर पड़ेगा, व्यापारियों पर पड़ेगा, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं घाटे में आ सकती है। तो ये दो अहम मुद्दे हैं जिनका विरोध दिल्ली सरकार आज जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में करेगी। बिल्कुल, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है नमित, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार की ओर से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बैठक के दौरान उठाए जाएंगे। ये भी माना जा सकता है कि इन दो मुद्दों के अलावा और भी कई मुद्दे हो सकते हैं जिनका विरोध कर सकती है दिल्ली सरकार। देखिए, फिलहाल तो जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से दो ही मुद्दों की दी गई है। हालांकि ये जो बैठक है जीएसटी काउंसिलिंग की, इसमें तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, दो मुद्दे हमने आपको बता दिए, और तीसरा मुद्दा है कि जो देश के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनके ऊपर भी जो हेल्थ इंश्योरेंस एनुअल का पैसा जाता है लोगों का, उस पर भी अब कंपनियों से जीएसटी वसूलने की तैयारी में है सरकार। यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उस पर भी अब इंश्योरेंस जो जीएसटी है वो लग सकता है। अगर आज इस पूरी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर आने वाले समय में देखेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस हम जो आम लोग कराते हैं उस पर भी सरकार जीएसटी वसूलेगी। जी बिल्कुल नमित, क्योंकि बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, और जाहिर सी बात है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक है और इस बैठक के दौरान तमाम फैसले भी लिए जाएंगे। नमित, ये भी माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद तमाम बदलाव हो सकते हैं और आम आदमी की जेब पर भी फर्क पड़ सकता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि दिल्ली सरकार ने जिन दो मुद्दों को उठाया है वो दिल्ली के अंदर कई जो व्यापारी हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जो पेमेंट गेटवे के ऊपर अगर हम बात करें 18% जीएसटी लगाने का सरकार सोच रही है वो ना लगाया जाए, ऐसे में जीएसटी की जो छूट है 2000 से कम का जो ट्रांजेक्शन होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से उस पर जीएसटी ना लगाया जाए, इसको लेकर दिल्ली के तमाम व्यापारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। आखिर केंद्र सरकार उस पर कितना विचार करती है? दूसरा ये कि आज जो बैठक जितने भी सदस्य आएंगे अगर दिल्ली सरकार के अलावा बाकी लोगों ने भी इस चीज का इन दो चीजों का विरोध किया तो हो सकता है कि शायद ये प्रस्ताव पास ना हो। और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाते हैं, क्योंकि अब तक अगर माने तो पूरे देश के अंदर जो शैक्षणिक संस्थान है उनके ऊपर तकरीबन साल 2017 से साल 2024 तक 220 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया है। यानी कि अगस्त के महीने में भी केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज थे जिनको एक नोटिस दिया गया था कि आप साल 2017 से लेके और साल 2024 तक का जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगता है वो आपने क्यों नहीं भरा, उसके लिए कारण बताओ नोटिस भी तमाम कॉलेजों को दिया गया था। तो ऐसे में अगर ये दो प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो एक तो ये कि जो कॉलेज और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान को रिसर्च ग्रांट के रूप पर पैसा मिलता है उसका उनको जीएसटी देना पड़ेगा साल 2017 से लेकर 24 तक का, जिसके बाद जो कॉलेज है या फिर जो बड़ी बड़ी एजुकेशनल हब है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और दूसरा, अगर ये पेमेंट गेटवे के ऊपर 18% जीएसटी लगता है तो इससे फिर व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे यानी कि जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो सीधा सीधा लोगों से वो जो 18% टैक्स है वो वसूलेंगे। यानी कि मतलब साफ है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर ना केवल आम लोग बल्कि व्यापारियों पर खासा असर पड़ेगा। क्योंकि नमित, यहाँ पर आपने पेमेंट गेटवे का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि इससे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्या इसको लेकर व्यापारियों का कोई रिएक्शन आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि देखिए, तमाम फैसले तो लिए ही जाएंगे इस बैठक के दौरान, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और व्यापारियों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली के जो तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में पेमेंट गेटवे से 18% टैक्स वसूलने की तैयारी सरकार कर रही है वो ना किया जाए और 2000 से कम के ट्रांजेक्शन पर व्यापारियों को और आम लोगों को इसमें छूट देनी चाहिए। इस बात की मांग को रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी व्यापारियों की तरफ से लिखी गई है। अभी उसका कोई जवाब जो है वो पीएमओ की तरफ से नहीं आया है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने उस चिट्ठी पर गौर किया तो फिर जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक पर इस ये जो दूसरा मुद्दा है पेमेंट गेटवे पर 18% टैक्स लगाने का, इस पर सरकार सोच सकती है। और अगर ये रुका तो फिर व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में पास हो जाता है जो कि 54वीं बैठक है तो फिर व्यापारियों पर आर्थिक बोझ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी नमित, क्योंकि देखिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर भी चर्चा होने वाली है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से इसको लेकर चर्चा की जाएगी और इस पर क्या फैसला लिया जाएगा, इसकी जानकारी आपके पास?
देखिए दरअसल इसमें दो चीजें समझनी होंगी। पहला ये कि जो आम लोग होते हैं वो एनुअली हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, जो एनुअली वो फी भरते हैं वो एक थर्ड पार्टी या फिर किसी कंपनी को भरते हैं। किसी भी आप कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, वो जो कंपनी आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है उससे सरकार जो है वो टैक्स लेने की यानी कि उस पर अब जीएसटी लगाने की तैयारी में सरकार है। अगर किसी कंपनी पर हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी पर जीएसटी लगेगी तो फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी जो है वो आपसे भी टैक्स वसूलेगी, वो जो जीएसटी सरकार उनके ऊपर लगाएगी। तो इसका भी सीधा सीधा असर जो है वो उन लोगों पर पड़ेगा जो अलग अलग कंपनियों से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। तो सीधे तौर पर ये जो दो मुद्दे हैं, अगर ये जीएसटी काउंसिलिंग में ये प्रस्ताव दोनों पास होते हैं तो इसका सीधा जो कनेक्शन है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। आम लोगों पर जो आर्थिक बोझ है वो इन दो प्रस्ताव के पास होने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल अमित, और देखना होगा क्योंकि बैठक होने वाली है, तमाम फैसले भी लिए जाएंगे और दिल्ली सरकार भी कई मुद्दों को लेकर विरोध करती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।